हेलो एवरीवन, हम लोग ए लेटर से शुरू होने वाले शब्दों के सिनोनिम्स को देख रहे हैं। आज का पहला शब्द है अकम्प्लिस। इसका अर्थ होता है अपराध करने में सहायक व्यक्ति या अपराध का साथी या जुर्म में साथी। इसके लिए शब्द है सह अपराधी, मतलब किसी क्राइम में जो क्रिमिनल का साथ देता है उसे कहते हैं अकम्प्लिश। इसके सिनोनिम्स हैं अबेटर, एक्सेसरी, कंपेनियन, कंसॉर्ट, कॉन्स्पिरेटर, पार्टिसिपेंट एंड राइट हैंड। अगला शब्द हम लोगों ने लिया है अक्यूट। इसका अर्थ होता है कोई बहुत गंभीर स्थिति, मतलब सीरियस सिचुएशन अगर कोई है तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को, ऐसी या परिस्थिति को कहा जाता है कि ये अक्यूट सिचुएशन है। इसके लिए सिनोनिम्स हैं क्रिटिकल, क्रूशल, डेस्परेट, डायर, एक्सीजेंट, प्रोफाउंड एंड सीवियर। अक्यूट का अगला अर्थ है बीमारी जो बहुत तेज़ी से ख़तरनाक बन जाए, बहुत सीरियस कोई डिजीज़ हो अगर, तो उसके लिए जो है अक्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं एब्रप्ट, अलार्मिंग, डेंजरस, प्रीसिपिटस, रैपिड, सीरियस, एक्सट्रीम। अक्यूट का अगला अर्थ है ऐसी भावनाएं जो अति संवेदनशील हों, तीक्ष्ण हों, प्रखर हों। बहुत डीप फीलिंग अगर आपको किसी चीज़ के लिए आ रही है तो उसके लिए भी, उस फीलिंग के लिए भी अक्यूट फीलिंग कह के उसको बुलाते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्विजिट, फियर्स, कीन, पीकंट, पॉइनियंट, इसमें जी साइलेंट है, पॉइनियंट, एंड लास्ट है पंजेंट। अक्यूट का अगला अर्थ है समझदार, कुशाग्र, तेज, होशियार, जो चालाक टाइप का हो। इसके सिनोनिम्स हैं अजाइल, आर्टफुल, एस्ट्यूट, इंट्यूटिव, सेज, सेपियंट एंड श्रूड। अक्यूट की लास्ट मीनिंग है नुकीला या पैना, मतलब जिसके एजेस जो हैं वो शार्प हों। तो इसके सिनोनिम्स हैं असिकुलर, एकिनेट, नीडल शेप्ड, पेक्टिनेटेड, पॉइंटेड, प्रिकली एंड स्पाइनस। आज का हमारा लास्ट वर्ड है अडेप्ट। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है किसी नई परिस्थिति से परिचित होकर उस परिस्थिति के अनुसार या अनुरूप अपने व्यवहार को चेंज कर लेना, बदल लेना। इस अर्थ में अडेप्ट के सिनोनिम्स हैं अक्लाइमेट, अक्लाइमेट, सेकंड है अकोमोडेट, थर्ड है अट्यून्ड, सॉरी अट्यून टू, नेक्स्ट है बिकम अक्वेंटेड विद, किसी से परिचित हो जाना, बिकम अक्वेंटेड विद, बिकम फैमिलियर विद, फिर है नेचुरलाइज एंड लास्ट है हार्मोनाइज। अडेप्ट की लास्ट मीनिंग है किसी वस्तु को बदलना ताकि बदली हुई परिस्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। पहली सिचुएशन थी कि जिसमें आप खुद को, अपने खुद को या अपने व्यवहार को बदल ले रहे थे सिचुएशन के हिसाब से, इसमें किसी वस्तु को चेंज कर लेना ताकि उस बदली हुई सिचुएशन में उस वस्तु का यूज़ किया जा सके या जिससे वो वस्तु या चीज़ जो है और यूज़फुल हो जाए बदली हुई सिचुएशन में। जैसे लोग अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवा लेते हैं तो वो बदली हुई जो सिचुएशन है, फैशन है, उसके हिसाब से दिखने लगती है, तो उसको कहते हैं कि वो अडेप्टेशन हो गया या मॉडिफिकेशन हो गया। इसके लिए सिनोनिम्स हैं
alter, amend, comply, conform, customize, modify एंड लास्ट है ट्रांसफॉर्म। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू सो मच।